हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, वोल्टास की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। क्वार्टर एंडेड, हाफ ईयर एंडेड का स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है जो कि हम लोग कवर करेंगे। हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स कवर करेंगे। करोड़ में नंबर है, इनकम 2724.5 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 5001 करोड़ का, लास्ट ईयर में 2363.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन होने का रीजन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2601 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 4903 करोड़ का इनकम था जो कि डाउन देखने को मिला। इसलिए गाइस कंपनी का प्रॉफिट में डाउन, इनकम में डाउन हुआ। एक्सपेंस 2486.8 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 4520.4 करोड़ का, लास्ट ईयर में 2245.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का है 237.6 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 480.8 करोड़ का, लास्ट ईयर में 118 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 132.8 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 335 करोड़ का, लास्ट ईयर में 35.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 4.05 रुपीज का, लास्ट क्वार्टर में 10.1 रुपीज का, लास्ट ईयर में 1.1 रुपीज का EPS है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है। और गाइज, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन होने का रीजन क्या है कि गाइज ये जो कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये सीजनल बिजनेस है। तो जून क्वार्टर का जो था इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया था रेवेन्यू प्रॉफिट में। इसका रीजन था गाइज कि समर सीजन में इसके जो एसीज वगैरह है बहुत ज़्यादा तेजी से मतलब कि एसी, फ्री रेफ्रिजरेटर वगैरह जितना भी प्रोडक्ट्स है बहुत तेजी से सेल वगैरह होता, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। इसी वजह से गाइज कंपनी का जो सो इनकम रेवेन्यू प्रॉफिट में इंक्रीज किया था। लेकिन उसके बाद फिर वापस से डाउनफॉल देखने को मिला है, सिग्निफिकेंट राइज हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट हाफ ईयरली प्रॉफिट भी कंपनी का हिस्ट्री में अब तक जो सो मार्क किया है हाफ ईयरली अगर देखा जाए तो ओवरऑल गाइस इसी कारण से कंपनी का प्रॉफिट जो है सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम में डाउन हुआ था। शेयर की बात करेंगे 1772.7 रुपीज पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 0.6% का प्रॉफिट है, 5 डे में 0.8% का लॉस है, 1 मंथ में 3.9% का लॉस है। कंपनी का शेयर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा गया क्योंकि मार्केट क्लोज है जस्ट कुछ मिनट पहले इसका रिजल्ट आया है, इसलिए गाइस मार्केट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब कल देखना ये गाइस कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन ले सकते हो। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रिंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।